अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे नहीं पता आप कितने दिनों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर आपको एक साल या दो साल हो गए तो आप तैयार हो जाइए ताने सुनने के लिए। आपको जरूर कोई ना कोई ताना मारने जरूर आया होगा। तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, मैंने तो कहा ही था कुछ और कर ले, इस एग्जाम में क्यों जा रहा है, ये बहुत कठिन है, ऐसे ऐसे ताने मारेंगे लोग आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए। अगर इन एग्जामों की जंग में आपने कदम रख ही दिया है तो फिर जीत कर ही वापस आना। इस जंग में जीतेगा वो जो हारेगा नहीं, इस जंग में जीतेगा वो जो मरने को तैयार है। तुम्हारे अंदर जिद है ना, तुम्हारे अंदर हौसला है ना, तुम्हारे अंदर विश्वास है ना, तुम्हारे अंदर आग है ना, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी तुम पीछे क्यों बैठे हुए हो? आगे बढ़ो, इस बात की टेंशन मत लेना कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बात की टेंशन लेना कि आज रात सोने से पहले मैं खुद से ये कह सकूं कि मैंने अपना 100% दिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। कायनात की तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस चीज को मिलाने के लिए खुद को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को SSC करना है, किसी को बैंक में जाना है, किसी को UPSC क्लियर करना है, किसी को IAS IPS बनना है, जो करना है वो करो, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करो, पूरी उम्मीद के साथ करो। अनु कुमारी जी कहती है कि वे रात 10 बजे सोती थी और सुबह 4 बजे जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी, और हर दिन 10 से 12 घंटे उन्होंने अपनी पढ़ाई में दिया। डिस्ट्रेक्शन ना हो इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया को अपने आप से बिल्कुल दूर रखा। आप भी अपने मोबाइल को साइड में करो, हालात ऐसे ना रखो जो सपनों को बदल दे, बल्कि अपने सपनों को ऐसा रखो जो हालात बदल दे। केवल 22 साल की उम्र में IPS बनने वाले सफीन हसन जी कहते हैं, जब भी आपको लगे आप चारों ओर से घिर गए हो, जब भी आपको लगे कोई ऑप्शन नहीं है, उस वक्त तो याद रखना यही वो मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। एक डायमंड जितना ज्यादा घिसता है उसकी चमक उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा अधिक होती है। अगर अभी परिस्थिति आपके खिलाफ है तो याद रखना आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। सृष्टि देशमुख जी वे अपने इंटरव्यू में कहती है कि वे डेली 5 से 6 घंटे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करती थी और खुद पर पूरा भरोसा था कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने बताया कि मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो क्या है, वो बिलीफ है। और ये इन्होंने ही नहीं कहा, बाकी जितने भी आज तक टॉपर्स हुए हैं सबने यही बात कही है, बिना अपने भरोसे के, बिना खुद पर विश्वास किए क्या कोई जिंदगी में कामयाब हो सकता है? नहीं ना। तो पूरी शिद्दत से उस काम को करो और पूरे विश्वास के साथ करो कि मैं कर सकता हूँ, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो जिंदगी में किसे नए नए बदलाव आते हैं। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई गुना बड़ी है। पहचान क्या होती है इस दुनिया को मैं बताऊंगा, बिना नाम के जरूर आया था छोटे, पर अब बिना नाम किए नहीं जाऊंगा। माना कि रास्ता बहुत मुश्किल है, पर मंजिल भी तो बहुत खूबसूरत है ना, तो लग जाइए उस मंजिल को पाने में। और अगर आपका कोई रिलेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज उसको ये वीडियो शेयर करो, ताकि ये वीडियो हर हिंदुस्तानी तक पहुंच जाए, उस स्टूडेंट तक पहुंच जाए जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।